भले ही देश में महामारी कोरोना की तीसरी लहर ना आई हो, लेकिन सरकार और प्रशासन आने वाले समय में किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहता। इसी कड़ी में हरियाणा के यमुनानगर के ईएसआई अस्पताल में सरस्वती सुगर मिल और इस चैक की ओर से 1,18,00,000 रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। यह प्लांट 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन तैयार करेगा। शनिवार को कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसका विधिवत उद्घाटन किया और दोनों कंपनियों की खूब सराहना करते हुए कहा कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान भी इन्होंने स्वास्थ्य विभाग का खूब सहयोग किया और सरस्वती सुगर मिल अक्सर लोक सेवा के काम करके मिसाल पेश करती रहती है। वहीं उन्होंने कहा कि हालांकि अब कोरोना बिल्कुल जीरो के बराबर है, लेकिन आने वाले समय में ऑक्सीजन को लेकर किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए प्लांट की शुरुआत की गई है। बड़ी संस्था है इज्जक और सरस्वती सुगर मिल, उनके सहयोग से यहाँ पर जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, आज उसका उद्घाटन हुआ है और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा भारी लाभ यहाँ होगा। जिस प्रकार से पीछे कोविड के टाइम में ऑक्सीजन की एक समस्या रही है, निश्चित तौर से वो समस्या बिल्कुल भी आने वाली नहीं। किसी टाइम भी किसी भी प्रकार की जरूरत होगी तो एक बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे, एक हमारा सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में है और एक यहाँ है, तो उस प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे सिविल में पहले लगी थी और अब ये सेवा में लगी है क्योंकि ये कोविड सेंटर है, तो जो अन्य सीएससी हैं वहाँ पे कुछ ऐसे बंदोबस्त हैं? देखिए, जिस प्रकार की जहाँ भी जरूरत होती है, मान लीजिए पिछली बार जिस प्रकार कोविड के टाइम में एक समस्या आई थी तो हमने हमारे बहुत से जो सीएससी हैं वहाँ पर भी उनकी व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब आज की तरीके में तो कोविड नहीं है लगभग बिल्कुल। ऐसे में दोनों शहर जिले में एक भी पेशेंट नहीं है ज़्यादा आज की तरीके में हमारे यहाँ, तो आज हम पूरी तरीके से कोविड से मुक्त हैं। सर अब हमारा कि अगर कोई समस्या आती है तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लिया जाता है। वहीं बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर के समय भी कैबिनेट मंत्री अपने जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी ना होने का दावा करते रहे। वहीं उस समय जिले में एक प्राइवेट प्लांट जहां ऑक्सीजन की खपत पूरी कर रहा था, तो वहीं सरकार की मदद से एक और प्लांट की शुरुआत की गई थी और अब कोविड अस्पताल बनाए गए ईएसआई अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रॉय की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।